माँ देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया था। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज, अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? माँ ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। विद्या किससे सीखी है? ऋषि भार्गव से पिता महाराज। आप क्या समझे थे आर्यपुत्र, कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरत वंशियों की इस परंपरा का ज्ञान है कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म योगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने यह कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के वानों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुर इसे पाकर धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाओ, जहां इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप माते? वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाहकर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए मैं भी एक ऐसी ही छाया हूं, समय के वृक्ष से बंधी हुई। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा माते। अच्छा आर्य पुत्र, चलती हूं। परंतु वत्स, तुम्हें तो तुम्हारी माता ने विद्याधनी बनाकर हमारे पास भेजा है। विद्यार्थी तो सदा विद्यार्थी ही रहता है पिताश्री, विद्याधनी तो केवल भगवान है, विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। तो फिर ये प्रसाद हमसे बांटो पुत्र। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर पुत्र। विद्या का प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म कार्य से सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत सुंदर। इस प्रसाद के उपरांत किसी और प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाती पुत्र, सुखी रहो। पिताश्री की छत्र छाया में सुख ही सुख है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का शिष्य ही ये बात कह सकता है। और क्या सीखा उनसे? उनसे ये मंत्र मिला है कि हंस दो पंखों के सहारे ही उड़ सकता है, एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है ज्ञान।
यदि उसके पास एक ही पंख हो तो वो अकेला पंख व्यर्थ है। हंस उसके सहारे उड़ान नहीं भर सकता। अत्यंत सुंदर विचार है। बृहस्पति महाराज ने क्या आदेश दिया तुम्हें? कार्य का आरंभ करो तो उसका अंत करने पर ही विश्राम लो, अन्यथा कार्य ही तुम्हारा अंत कर देगा। और इस विषय में शुक्र नीति क्या कहती है? शुक्र नीति यह कहती है कि यह तो कार्य का परिणाम ही बता सकता है कि कार्य का आरंभ शुभ था या अशुभ। श्रेष्ठ शस्त्रधारी श्री परशुराम जी ने तुम्हें क्या सिखाया? उन्होंने बताया कि पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है और वही आनंद की सीढ़ी है। क्या माता के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा? अवश्य कहा पिताश्री। कहा कि शिक्षक से आचार्य का अधिकार 10 गुना है, पिता का अधिकार आचार्य से 100 गुना है, परंतु माता का अधिकार पिता के अधिकार से 1000 गुना दिखे। ऐसा क्यों पुत्र? ऐसा इसलिए कि पुत्र कुपुत्र भले ही होते हो, परंतु माता को माता कभी नहीं होती। यही सत्य है, क्योंकि मां तो पृथ्वी होती है और पृथ्वी अपने अंकुर के साथ कभी अन्याय नहीं करती। यदि मां ना होती तो ईश्वर के सिवाय कुछ ना होता। महाराज की जय हो, गंगा पुत्र राजकुमार की जय हो। अरे देवव्रत के आने का समाचार तुम्हें कैसे मिला? राजकुमार के आने के समाचार से तो सारा ब्रह्मांड गूंज रहा है महाराज। तुम व्यापारियों को बोलना बहुत अच्छा आता है। क्या लाए हो? बस एक घोड़ा महाराज। बस एक घोड़ा? परंतु ये घोड़ा लाखों घोड़ों पर भारी है महाराज, सूर्यदेव के रथ में लगने योग्य, उनका रथ भी अकेला खींच ले जाएगा। तब तो उसे देखना ही पड़ेगा, परंतु यदि वो लाखों से थोड़ा भी कम निकला तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। और यदि अधिक निकला महाराज? तो वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा और 50 गांव का राजा। आओ पुत्र, तुम्हें तो हमारी घुड़साल का कोई घोड़ा पसंद नहीं। शस्त्र क्यों पुत्र? क्षत्रिय के लिए वस्त्र से भी अधिक शस्त्र आवश्यक है। क्षत्रिय शस्त्र के बिना अकेला अधूरा लगता है महाराज। घोड़ा तो अच्छा है पुत्र। मैं भारतवर्ष के सारे राज दरबार देखता चला रहा हूं महाराज, कोई भी वीर महावीर इस घोड़े पर काठी न चढ़ा पाया। व्यापारियों को अभिमान शोभा नहीं देता व्यापारी।
मैंने तो पहले ही कहा था महाराज कि घोड़ा बड़ा कलंकारी है। इस घोड़े पर स्वयं हम काठी चढ़ाएंगे। एक साधारण घोड़े के लिए आपका जाना उचित नहीं महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं पुत्र नहीं। क्षमा चाहता हूं पिता महाराज, परंतु ये सेवक इस घोड़े पर काठी चढ़ाने का निर्णय ले चुका है। महाराज ठीक कह रहे हैं महाराज कुमार, आप इस जोखिम में क्यों पड़े। महाराज कुमार तो जोखिम में पड़ने के लिए ही जन्म लेते हैं व्यापारी। आज्ञा है पिता महाराज। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो। आप कभी किसी जयाले सिपाही, किसी राजा या राजकुमार की परीक्षा लेने का साहस ना करना व्यापारी। घोड़ा अपनी परछाई से डर गया था पिता महाराज, आज्ञा हो तो थोड़ी दूर दौड़ा लूं। अवश्य पुत्र। राजकुमार की जय। राजकुमार की जय। राजकुमार की जय। राजकुमार की जय। हजारों बाणों के घाव सहन कर सकता हूं पिता महाराज, परंतु आपके इस मौन का घाव मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे तो बताइए कि क्या बात है। क्या बताऊं पुत्र? वही बात जिसने आपको मौन की इस मरुभूमि का बंदी बना दिया है। कोई बात है ही नहीं पुत्र, तो बताऊं क्या? यदि राज्य की कोई चिंता हो तो युवराज होने के नाते मुझे तो इसका ज्ञान होना ही चाहिए ना। अवश्य, किंतु राजा भी अपनी सारी चिंताएं किसी को नहीं बता सकता पुत्र। क्या पिता भी अपनी सारी चिंताएं अपने पुत्र को नहीं बता सकता? हां, पिता भी अपनी सारी चिंताएं पुत्र को नहीं बता सकता। परंतु पिता महाराज। जाओ पुत्र, विश्राम करो।
जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। पिता महाराज, पधारिए माता सत्यवती। आप बिना कारण ही हिचकिचाए थे पिता महाराज। आपको मेरी ओर से यह वचन देने का पूरा अधिकार था कि माता सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा। परंतु पुत्र, मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन का नहीं आपका पुत्र हूं। आपके सुख की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और इसीलिए इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। नहीं, नहीं। इतनी भीषण, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा पुत्र, नहीं देवव्रत, नहीं। भूल जाइए पिता महाराज। कैसे भूल जाऊं पुत्र, कैसे भूल जाऊं कि तुमने मेरे आनंद के लिए अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग कर दिया। परंतु पिता महाराज, आपके आनंद में ही तो मेरे जीवन के सारे सुख हैं। भूल जाइए पिताश्री। परंतु मैं ये कैसे भूल जाऊं पुत्र कि राज गद्दी के विषय में भरतवंशियों को स्वयं शकुंतला पुत्र महाराज भरत से ये परंपरा मिली है कि राज गद्दी का अधिकारी जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा हुआ है, और जो अभी जन्मा ही ना हो उसका कर्म क्या। परंतु राजा का एक कर्तव्य यह भी है महाराज कि वो अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करे। राजा का यह कर्तव्य अवश्य है पुत्र, परंतु मैंने अपने कौन से अधिकारों की रक्षा नहीं की। मेरे पिताश्री, आप मेरे एक अधिकार की रक्षा नहीं कर रहे। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र? आप मेरे वचन देने के अधिकार की रक्षा नहीं कर रहे हैं पिता महाराज। तुमने तो मुझे अवाक कर दिया पुत्र, अब इसके आगे मैं क्या कहूं। तुमने तो वो किया है जो जग को सदा याद रहेगा। इसके लिए तुम्हारा पिता तुम्हें आशीर्वाद देता है। सुख दुख, शांति और अशांति के दोराहे पर खड़ा ये शांतनु तुम्हें वरदान देता है कि जब तक तुम स्वयं इच्छा न करो मृत्यु लोक को नहीं त्यागोगे। पुत्र भीष्म, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम जब तक चाहोगे जियोगे और मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे पास नहीं आएगी। पाते पिताश्री को समझाइए कि मेरे साथ चाहे न्याय हुआ हो चाहे अन्याय, वो स्वयं मैंने ही किया है। पिता महाराज, पिता महाराज, भीष्म, भीष्म, भीष्म। चिंता की ये रेखाएं पिता के माथे पर हैं या राजा के माथे पर? दोनों के माथे पर। तो पहले मैं पिता से पूछूं या राजा से? पहले तुम उस निर्बल व्यक्ति से पूछो जो न पिता बन सका न राजा, दोनों का मान न रख सका, जिसने पिता और राजा दोनों को ही विवश कर दिया। पिता महाराज,
मैं कैसा पिता हूं पुत्र, कि जिसने अपनी प्रेम तृष्णा में विवश होकर तुम जैसे आदर्श पुत्र के जीवन को एक अनंत मृग तृष्णा में धकेल दिया। और कैसा राजा हूं मैं कि एक योग्य युवराज को उसके पद से हटाकर हस्तिनापुर का भविष्य एक ऐसे बालक के हाथ में सौंप दिया जिसका कि अभी जन्म भी नहीं हुआ और जिसके बारे में कोई यह भी नहीं कह सकता कि आगे चलकर वो इस राजगद्दी के योग्य होगा भी या नहीं। ऐसा करके मैंने अपने पूर्वजों का घोर अपमान किया है पुत्र, घोर अपमान किया है। अपने हृदय पर यह बोझ ना डालिए पिता महाराज, ना डालिए। यदि आपने मुझे वो प्रतिज्ञा करने का आदेश दिया होता तब आपका यूं सोचना ठीक होता, परंतु यह प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा ही है, केवल मेरा पिता महाराज। मैंने ये शपथ इसलिए ली पिता महाराज कि सदा पिता ही पुत्र के लिए बलिदान क्यों दे। क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता? क्या मेरे लिए आपके आनंद का कोई अर्थ नहीं? मेरे लिए आपके हृदय की गद्दी हस्तिनापुर की राजगद्दी से कहीं अधिक मूल्यवान है पिता महाराज। फिर भी पुत्र। फिर भी क्या पिता महाराज? यदि तुम्हारा होने वाला भाई इस राजगद्दी के योग्य न निकला तब क्या होगा पुत्र? तो जो वचन मैंने हस्तिनापुर को दिया है वही वचन आज मैं आपको भी देता हूं पिता महाराज, कि जीवन भर कुरुवंश और हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन की सेवा और रक्षा करूंगा और इसके सिवा मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होगा। और जब तक मैं इन्हें देख लूं कि कुरुराज जब चहूं ओर से सुरक्षित है और उसे मेरी सेवा की कोई और आवश्यकता नहीं है तब तक मैं जीऊंगा और इस मृत्युलोक को नहीं त्यागूंगा। तुम जैसा पुत्र लोक और परलोक दोनों में धन्य है। और अब मुझे एक विनती करने की आज्ञा है पिता महाराज। कहो पुत्र। राजा का यूं अकेला और उदास रहना उचित नहीं है महाराज। यदि राजा का मन भटकेगा तो यह राजनीति भी भटक जाएगी, क्योंकि राजनीति तो राजा ही की उंगली थाम कर आगे बढ़ती है। तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूं पर आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो, तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया है, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया है। यह गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। अर्जुन तो वो नर है अश्वत्थामा, जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन होंगे। परीक्षा लिए बिना ही गुरु ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ही लेते हैं। आओ। राजकुमारों, इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर जी। गुरुदेव। लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं, दुर्योधन। जी गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आ गया गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है।
ठीक है। वाण चलाऊं? नहीं। जी गुरुदेव। अश्वत्थामा। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। ठीक है, जा। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और अब? अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स, धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका ये शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तुम हो, परंतु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है। पिताश्री, पिताश्री। वत्स। क्या बात है पुत्र? मैं भी यही पूछने आया हूँ कि बात क्या है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पिताश्री भ्राता युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त करने वाले हैं, और वो भी किसी दबाव में आकर। वो कौन है जो हस्तिनापुर नरेश पर दबाव डाल सकता है? इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। उत्तेजित होने की बात है पिताश्री, क्या ये जानकर भी नरेश के ज्येष्ठ पुत्र को उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि स्वयं उसका पिता उसका अधिकार किसी दूसरे को देने जा रहा है? नरेश का ज्येष्ठ पुत्र मैं और युवराज नियुक्त हो गई, और ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। भरत वंशियों में केवल ज्येष्ठ पुत्र होना पर्याप्त नहीं पुत्र, स्वयं महाराज भरत ने भी। सम्राट भरत की बात मत कीजिए मातेश्वरी, वो तो शताब्दी पुरानी बात है। यदि समय पीछे मुड़कर देखता रहेगा तब तो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस राज सिंहासन पर पिताश्री का अधिकार था, वो तो विदुर ने नीति के वाण मारकर पिताश्री के अधिकार को घायल कर दिया। नेत्रहीन पिताश्री है माताश्री, मैं नेत्रहीन नहीं हूं, और मैं विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं, और इस नाते हस्तिनापुर के राज मुकुट पर सबसे पहला अधिकार मेरा है, और किसी अन्य का युवराज नियुक्त होना मेरा अपमान है। और आपने अपने इस बेटे का अपमान सहन करना नहीं सिखाया है। राजनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है पुत्र कि क्रोध को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि क्रोध तो आंखों वालों को भी अंधा बना देता है। मैं भी क्या भाग्य लेकर आया हूं, पिताश्री जन्म से नेत्रहीन, माताश्री कर्म से नेत्रहीन, और मैं अपमान से। यदि आप दोनों मेरे अधिकारों की हत्या करने के पश्चात सो सकते हैं तो सो जाइए, परंतु याद रहे कि राजनीति का यह खेल यहीं पर समाप्त नहीं होगा। पुत्र। अरे पुत्र, मेरा हाथ थाम लीजिए,
आज मुझे डर लग रहा है। लगता है हम दोनों के स्नेह ने दुर्योधन को बिगाड़ दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने जो प्रश्न किया वो प्रश्न तो ठीक ही था। यदि मैं नेत्रहीन ना रहा होता तो अनुज पांडु को यह राज सिंहासन क्यों मिला होता? मेरे नेत्रहीन होने का दंड मेरा पुत्र क्यों भुगते? देखता हूं विदुर का नीति ज्ञान इस प्रश्न का क्या उत्तर देता है। विदुर की नीति से मत घबराइए, अपने ताजी की ओर देखिए। वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। चक्रवर्ती भव, आओ पुत्र यहां बैठो मेरे निकट। मैं एक बड़े धर्म संकट में हूं पुत्र, और यदि मैं यह ना जानता होता कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे तो मैं आत्महत्या कर लेता। आप आदेश तो दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। छोटे अपने बड़ों की सहायता नहीं करते, वे तो आदेशों को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनो पुत्र। तुम पांचों भाई उस अनुज पांडु के उत्तराधिकारी हो जिसने लगभग पूरी पृथ्वी जीत ली थी। विजयश्री उसकी अधीन थी, परंतु जब तक मैंने उससे यह नहीं कहा कि यह सिंहासन ग्रहण करो तब तक उसने यह सिंहासन ग्रहण नहीं किया, जबकि इस सिंहासन पर उसका अधिकार भी था। आप मुझे किसी भूमिका के बिना भी आदेश दे सकते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। यह भूमिका आवश्यक है पुत्र। यह सिंहासन मेरा नहीं है, मैं तो अनुज पांडु का प्रतिनिधि हूं, केवल प्रतिनिधि, और मैं जो भी निर्णय लेता हूं वह अनुज पांडु ही की ओर से लेता हूं। किंतु ज्येष्ठ पिताश्री, आपके स्वर इतने उदास क्यों हैं? प्रश्न ना करो पुत्र, अपने ज्येष्ठ पिताश्री को बोलने दो, क्योंकि यह सब मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता। उसका अभिमान मेरे और उसके बीच की दीवार है। मेरी समस्या यह है पुत्र कि मैं प्रिय हस्तिनापुर को किसी संकट के द्वार पर नहीं छोड़ सकता। पूर्वजों को मुंह दिखाने योग्य जाना चाहता हूं यहां से। यदि राज्य तुम्हें देता हूं तो दुर्योधन का अभिमान आड़े आता है, और यदि राज्य दुर्योधन को देता हूं तो तुम्हारे साथ अन्याय होता है। और यह भी पारिवारिक जीवन का एक सत्य है पुत्र कि जहां बहुत से बर्तन होंगे वहां बर्तनों का टकराव भी होगा, इसलिए उन्हें अलग ही कर देना चाहिए। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया जाए। देश का विभाजन ज्येष्ठ पिताश्री? आप मेरे भाग का आधा राज भी अनुज दुर्योधन को ही दे दीजिए, परंतु देश का विभाजन ना कीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, ना कीजिए विभाजन। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हस्तिनापुर ही देता और दुर्योधन को ययाति की राजधानी देकर कहता कि तुम युधिष्ठिर के अनुज जाओ और जाकर खांडवप्रस्थ को बसाओ, परंतु वह हट करता है, कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊं।
मैं तो हस्तिनापुर की परछाई हूं, मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खांडवप्रस्थ को बसाओ। मेरे कहे की लाज रख लो पुत्र। भाग्य का पालन होगा ज्येष्ठ पिताश्री। सज्जनता फिर झुक गई, देखा बेबस रूप, पांडुसुतों के हित बनी, फिर वही काली धूप। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखा विवशता व्यर्थ ही किया विभाजित राष्ट्र। मुझसे कितनी प्रतीक्षा कराओगे कुंती पुत्र अर्जुन? भगवान, प्रभो नमन स्वीकारे। आयुष्मान भव, तपोवन में शस्त्रों की क्या आवश्यकता है कुंती पुत्र? शस्त्र तो क्षत्रिय की आत्मा होते हैं भगवान, तो क्या आत्मा बिना तपस्या संभव है? किंतु तपस्या की अपनी मर्यादा होती है वीर अर्जुन। तो क्या क्षत्रिय की अपनी मर्यादा नहीं होती भगवान? राजर्षि विश्वामित्र ने बिना शस्त्रों की अपनी तपस्या की थी। राजर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण बनना चाहते थे, उनकी आंख नंदिनी पर थी, मेरी दृष्टि दिव्यास्त्रों पर है, और जो शस्त्र मांगने निकला हो वो बिना शस्त्र के कैसे लगेगा भगवान? तर्क तो उत्तम है, मांगो। क्या वरदान मांगते हो वीर अर्जुन? मुझे दिव्यास्त्र दीजिए भगवान, दिव्यास्त्र। उन्हें पाने के लिए तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। पहले उनसे पाशुपतास्त्र मांगो, उनकी कृपा के उपरांत ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। दिव्यास्त्रों के लिए तुम्हें तो स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ेगी अर्जुन। जो आज्ञा भगवान। माता, बलि ले आए पुत्र। बलि भी ऐसी लाया हूं माता कि शक्ति माँ भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकती। आर्य पुत्र। आश्चर्य ना करो पुत्र, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, कुंती पुत्र भीम। नहीं, मैं केवल एक बलि हूं। पहले मेरी बलि चढ़ा लो, फिर अपने पुत्र से मेरा परिचय करवाना। आर्य पुत्र, तुमको बलि चढ़ानी थी तो अपने पति की चढ़ाती, अपने पुत्र की चढ़ाती। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया था कि तुम किसी और के पुत्र, भाई या पति की बलि दो? तुमने ये सोच कैसे लिया कि माता तुम्हारी बलि स्वीकार भी कर लेगी? क्या मैं तुम्हारा पति होने के कारण बलि के योग्य नहीं रहा? तुम्हारा पुत्र मुझे बलि के लिए लाया है,
और उसके श्रम को व्यर्थ न होने दो। बलि की यही प्रथा चली आ रही है आर्यपुत्र। कैसी प्रथा? क्या माता ने कभी मांग की थी? धर्म जीवन को आदरणीय, सुंदर और खराब बनाने का मार्ग है प्रिय। धर्म से जीवन के इस अपमान का नाता ना जोड़ो। मैं क्षमा चाहती हूँ आर्यपुत्र। मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? क्षमा मांगो इन माता से जिनका तुम अपमान करने जा रही थी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। जब तक तुम्हारी माता श्री देवी माता से क्षमा मांग रही है, मेरे गले लग जा पुत्र। गले नहीं लगूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? मुझे क्षमा कीजिएगा पिताश्री, परंतु यदि ये केवल मेरी माता रही होती तो भी ईश्वर की आज्ञा के पालन के पश्चात इन्हीं की आज्ञा पालन मेरा धर्म है। और ये मेरी माता ही नहीं, मेरी गुरु भी हैं, इसलिए पहले चरण स्पर्श की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। किंतु मैं तुझे गले कैसे लगाऊं पुत्र? जो आज्ञा पिताश्री। अब तो तू गोद में लेने योग्य हो गया पुत्र, परंतु मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। जो आज्ञा पिताश्री।